Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. If you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. Ma'am. No, ma'am, no problem. Okay. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम 11.1 पढ़ रहे थे ग्रैपलिंग विद द अनफैमिलियर और हमने ये देखा था इसके अंदर कि किस तरीके से जब ये यूरोपियंस आए थे यूरोपियन स्कॉलर्स और इन्होंने पहली बार यहाँ के स्कल्पचर्स देखे देवी देवताओं के तो उनको समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी और फिर वो कुछ तो डर भी गए थे क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन ह्यूमन फॉर्म में गॉड और गॉडेस के स्कल्पचर्स वॉइस कट गया आपके अब आ रही है Yes, ma'am. Okay. तो basically हुआ क्या था वो लोग डर गए थे कि एक ह्यूमन जिसको दिखा रखा है उन्होंने स्कल्पचर के फॉर्म में वहां पर उसकी मूर्ति बनी हुई है वहां पर मल्टीपल हेड्स कई सारे सर दिखा रखे हैं कई सारे हाथ दिखा रखे हैं और कई कई जगहों पे तो ह्यूमन और एनिमल फॉर्म में भी दिखा रखा है तो वो सारी चीजें देख करके वो लोग डर गए थे अब ये सारी स्कॉलर्स जो थे इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये चीज क्या है ये चीजें इमेजेस जो थी इनको बहुत ही स्ट्रेंज लग रही थी जो कि इन्होंने स्कल्पचर देखे थे अपने खुद के यहाँ पे एंशियंट ग्रीस के अंदर उससे तो ये कंपेयर कर रहे थे और ये चीज इनको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कई सारे इंडियन स्कल्पचर जो है इनको अजीब से लग रहे थे इनको लग रहा था ग्रीक आर्टिस्ट जो इनके यहाँ के आर्टिस्ट हैं वो ज्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि कैसे क्या चीजें बनानी है ठीक है अब जब किसी को आगे पीछे का कुछ पता ही नहीं हो किसी का कल्चर के बारे में ट्रेडिशन के बारे में और उसके सामने आप एक चीज रख दे सपोज आपको मैंने कल एग्जांपल दिया था इजिप्ट का कि वहां की ममीज जो है वो अगर आपके सामने ला करके रख दी जाए और आपको बोला जाए कि जज करो उसको देख करके कि इनके कल्चर के बारे में अंदाजा लगाओ जब किसी को कुछ नॉलेज ही नहीं होगी तो वो समझ में नहीं आएगा ना कि यार ये ऐसे इंसान को पट्टियों में क्यों बांध रखा है और इसके साथ में ये चीजें ऐसे दफन क्यों की गई करी गई है इसका ये पिरामिड क्यों बना हुआ है तो ये सारी चीजें जो थी ना वैसे ही जैसा आपको एकदम से किसी नए ट्रेडिशन को लेके फील होगा वैसे इन लोगों को भी फील हो रहा था तो ये क्या कर रहे थे सिंपली ये अपने यहाँ का जो इनका कल्चर है या अपने यहाँ के जो इनके आर्टिस्ट रहे हैं उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे थे और बोल रहे थे कि ग्रीक आर्टिस्ट जो रहे हैं ग्रीस के जो लोग हैं जो वहाँ पे आर्टिस्ट रहे हैं उनका जो काम रहा है वो ज्यादा अच्छा है और यहाँ के लोगों को तो बनाना ही नहीं आता ये तो पता नहीं क्या से क्या ही कुछ भी बना रहे हैं अच्छा अब जहां पर इनको लगा कि इमेजेस जब इनको बुद्धा और बोधिसत्वास की मिली तब इनको लगा कि हाँ ये कुछ ग्रीक मॉडल जो है उनसे रिलेटेड ही है कुछ ना कुछ उनसे इंस्पायर है क्योंकि वहां पर उनके मल्टीपल हेड्स नहीं होते थे मल्टीपल आर्म्स नहीं होते थे वो सिंपली नॉर्मल एक ह्यूमन की तरह फॉर्म ह्यूमन फॉर्म में चीजें दिख रही थी तो ये उसको रिलेट कर पा रहे थे उस चीज को ये समझ पा रहे थे ठीक है अब इसको पैराग्राफ को लाइन टू लाइन पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा These early scholars try to make sense of what appear to the strange images by comparing them with sculpture with which they were familiar that from ancient Greece. अब ये जो सारे scholars आए थे इनको समझ में आ रही थी वो चीजें जो ये अजीब अजीब सी images थी ये उसको compare कर रहे थे खुद के यहाँ के culture और tradition के हिसाब से वहां के sculpture जो बने हुए हैं उन जिन चीजों से ये फेमिलियर थे जिनसे जिनकी इनको नॉलेज थी एंशियंट ग्रीस की वहां से कंपेयर कर रहे थे वाइल दे ऑफन फाउंड अर्ली इंडियन स्कल्पचर इंफीरियर टू द वर्क्स ऑफ द ग्रीक आर्टिस्ट शुरुआत के समय में इनको ये अक्सर लगने लगा था कि इंडियन स्कल्पचर जो है वो तो बहुत ही छोटा है और कम अच्छा है और अगर कंपेयर करें हमारे यहाँ के जो आर्टिस्ट है उनसे They were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattva. Ma'am, your voice is not clear. इनको बहुत बुरा लग रहा था एज इन इनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज जो है इनको समझाई जा रही है ये मॉडल्स जो हैं ये जब इन्होंने बुद्धा और बोधिसत्वास के देखे तो वो क्या इनको अपने से रिलेट कर पा रहे थे अपने यहाँ के मॉडल से क्योंकि वो इनको लग रहा था कि सही है बुद्धा और बोधिसत्वास वाले these were more often than not found in the northwest in the cities such as Takshila and Peshawar where Indo-Greek rulers had established kingdoms in the 2nd century BCE. अब यही सारी चीजें जो थी अक्सर ये इनको नहीं मिल पा रही थी नॉर्थ वेस्ट साइड में जैसे कि तक्षशिला की जो सिटीज थी या पेशावर की जो सिटीज थी वहां पे इंडो ग्रीक रूलर्स रहे थे उन्होंने अपने अपने राज्य वहां पर लगा रखे थे सेंचुरी सेकेंड सेंचुरी के अंदर स्टैब्लिश किए हुए थे तो वहां पे चीज कॉमन नहीं थी
As these images were closest to the Greek statues, these scholars were familiar with and they were considered to be the best examples of early Indian art. वही बात जो मैंने भी ऊपर बोली थी कि कुछ जो चीज ये relate कर पा रहे थे अपने यहाँ की चीजों से कि भाई हाँ भाई सेम मूर्ति है, दो हाथ हैं, एक सर है, दो पैर हैं, जैसे हमारे यहाँ पे स्टैच्यूज होते हैं उसी के जैसा ही है, तो उस चीज को ये समझ पा रहे थे कि हाँ ये अच्छे एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट के. In effect, these scholars adopted a strategy we all frequently use, devising yardsticks derived from the familiar to the make sense of the unfamiliar. यहाँ पर इन्होंने strategy वही वाली लगाई थी, devising yardsticks वाली, कि हाँ कौन सी चीज जो है हमारे familiar है और कौन सी चीज जो है हमारे unfamiliar है. जो समझ पा रहे हैं उसको अच्छे से समझा रहे हैं कि हाँ ये अच्छा है, और जो चीज समझ नहीं पा रहे उसके लिए बोल रहे हैं कि हाँ ये तो पता नहीं क्या ही बना दिया है. सेकेंड है 11.2, इफ टेक्स्ट एंड इमेज डू नॉट मैच. जब टेक्स्ट और इमेज मैच नहीं करते थे, ये दूसरी प्रॉब्लम थी. कंसिडर अनदर प्रॉब्लम. वी हैव सीन दैट आर्ट हिस्टोरियंस ऑफन ड्रॉ अपॉन टेक्सचुअल ट्रेडिशंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ स्कल्पचर्स. अब दूसरी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आर्ट हिस्टोरियंस जो इतिहासकार थे उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि टेक्सचुअल ट्रेडिशन जो है एक तो उसको समझो और साथ साथ उसके साथ में जो स्कल्पचर जो मूर्ति है उसको भी समझो. वाइल दिस इज सर्टेनली अ फार मोर एफिशियस स्ट्रेटेजी देन कंपेयरिंग इंडियन इमेजेस विद ग्रीक स्टैच्यूज. अब अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रेटेजी है, जिसमें ये ऐसा नहीं कर रहे थे कि इंडियन इमेजेस को सिंपली कंपेयर कर रहे हो ग्रीक स्टैच्यूज से. इट इज नॉट ऑलवेज ईजी टू यूज. ये हमेशा इजी नहीं है यूज करना, लेकिन एटलीस्ट उससे तो बेटर ही है कि सिंपली यहाँ का जो टेक्स्ट है, यहाँ पे जो लिखा हुआ चीजें मिली हैं उसको इनके स्कल्पचर से कंपेयर करें, तभी तो चीजें समझ पाएंगे ये. तो यहाँ पे हम सिंपली ये समझ पा रहे हैं, ये हमें समझाया जा रहा है कि कौन सी हिस्ट्री जो है, कैसे इन्होंने रूप लिया, कैसे इन्होंने चीजों को समझा और कैसे वापस से रिकंस्ट्रक्ट करी है हमारे पढ़ने के लिए एक तरीके से, ठीक है, समझाने के लिए. One of the most intriguing examples of this is a famous sculpture along a huge rock surface in the Mahabalipuram, Tamil Nadu. अब सबसे यहाँ पे जो चीज बताई गई है वो ये है कि महाबलीपुरम में जो एक बहुत बड़ा ह्यूज रॉक एग्जाम्पल है उसको अगर देखा जाए तो जो तमिलनाडु के अंदर है उसका एक एग्जाम्पल है स्कल्पचर, फेमस स्कल्पचर है जो बड़ी सी रॉक पर से लिया गया है, बनाया गया है, उसको देखा जाए तो कि भाई इसको समझने के लिए वहां टेक्स्ट पर जाना पड़ेगा. क्लियरली फिगर 4.30 इज अ विविड डिपिक्शन ऑफ अ स्टोरी. देखा जाए तो 4.30 जो फिगर है ये नीचे स्कल्पचर इन महाबलीपुरम, वही जो मैंने भी आपको बताया था तमिलनाडु के अंदर. अब ये इतनी बड़ी रॉक के ऊपर, पत्थर के ऊपर इन्होंने पूरा सीन जो है वो पूरी तरह से उकेर रखा है, ठीक है, पूरी तरीके से बना रखा है, तो इसको समझ सकते हैं. अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो इसको समझा जा सकता है. ये इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है. आर्ट हिस्टोरियंस हैव सर्च्ड थ्रू द पुराणास टू आइडेंटिफाई इट एंड शार्पली डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस. अब क्या होता है, हर चीज को समझने का अलग अलग व्यक्ति का अपना अपना अंदाज होता है, अपनी अपनी समझ होती है. तो यहाँ पर हिस्टोरियंस ने क्या करा, पुराण जो है वो पढ़ लिए, ठीक है, उनको समझा, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, और फिर वो अपनी अपनी ओपिनियन, अपनी अपनी विचारों में बिल्कुल डिवाइड हो गए. यानी कि कुछ मान रहे थे कि ये अलग सीन है, कुछ मान रहे थे ये अलग सीन है. सम फील दैट दिस डेपिक्स द डिसेंट ऑफ द रिवर गंगा फ्रॉम हेवन. कुछ मान रहे थे कि जो स्वर्ग से जब रिवर गंगा जो है, गंगा नदी जब धरती पर आई थी उस चीज को बताते हुए है, और दूसरे बोल रहे थे The natural cleft through the center of the rock surface might represent the river. अच्छा, ये उसी चीज को बोल रहे हैं कि ये बीच का जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ना, ये सेंटर जो है इस रॉक का, ये बोल रहे हैं कि ये जब नीचे उतर के आ रही है तो ये उस चीज को दर्शा रहा है, ठीक है, सेंटर जो है उस चीज को दर्शा रहा है. ओके, द स्टोरी इटसेल्फ इज नरेटेड इन द पुराणास एंड द एपिक्स. स्टोरी, कहानी जो है ये अपने आप से पुराण और एपिक्स की पुरानी चीजें होती है उसके अंदर समझाई गई है. Other feels that it represents a story from Mahabharat. और दूसरे लोग जो थे आर्ट हिस्टोरियंस जिन्होंने इसको कोशिश करी, पुराण और वो सब पढ़े और फिर उस रॉक को समझने की कोशिश करी, तो उनका मानना ये था कि ये महाभारत का सीन है. अर्जुना डूइंग पेनेंस ऑन द रिवर बैंक इन ऑर्डर टू एक्वायर आर्म्स पॉइंटिंग टू द सेंट्रल फिगर ऑफ एन
एस्थेटिक। अब ये जो है ये क्या बोल रहे हैं, ये दूसरे लोगों की विचार ये था कि भाई ये महाभारत का सीन है जहाँ पे अर्जुन जो है वो नदी किनारे बैठ करके अपना दंड जो है उसको भुगतने की वो कर रहे हैं, अपने दंड जो है वो ले रहे हैं, और इसीलिए उन्होंने अपने आर्म्स जो है वो पॉइंट आउट कर रखे हैं इस तरीके से कि अब उनको आगे जाकर के यहाँ पे ये दे रखा होगा ये ऊपर की तरफ, ये जो है आई गेस यही चीज के लिए फिगर के लिए बोला गया है कि ये अपना पश्चाताप या अपना दंड जो है उसको स्वीकारने के लिए स्ट्रिक्ट फॉर्म के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे आपको समझाया गया ये गया है कि आपके पास में आर्ट हिस्टोरियंस ने कोशिश करी है, सब अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वेद पुराण पढ़े पुराने आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी, यहाँ का जो स्कल्पचर था उसको समझने की कोशिश करी है, किसी ने कुछ स्टोरी बनाई है, किसी ने कुछ स्टोरी रिलेट कर पाया है और उसको समझने की कोशिश करी है अपने अपने तरीके से। समझ में आया? Yes, ma'am. अब फाइनली रिमेम्बर दैट मेनी रिचुअल्स रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वर नॉट रिकॉर्डेड इन अ परमानेंट विजिबल फॉर्म। अब फाइनली ये समझो कि कई सारे रिचुअल्स, कई सारे धार्मिक विश्वास, कई सारी प्रैक्टिसेस जो है वो परमानेंट या विजिबल फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं की गई है। देखा जाए तो मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर की तरह है, इवन पेंटिंग्स की तरह है। These included daily practices as well as those associated with special occasions. अब ये जो monuments और sculpture और paintings जो हमें दिख रही है इसमें कई बार जो है daily practices यानी रोजमर्रा के जो उन्होंने काम किए हैं उसको प्रदर्शित करते हुए बनाए गए हैं, और कुछ जो है वो special occasions जो है उनसे जोड़ करके भी बनाई हुई है। Many communities and people may not have felt the need for keeping lasting records even as they may have had vibrant traditions of religious activities and philosophical ideas. कई सारे जो लोग हैं या उस समय में जो communities रही हैं उन लोगों को जरूरत नहीं लगी कि उन्होंने अपनी जो ये special उनके अच्छे vibrant traditions, अच्छे अच्छे जो उनके traditions रहे हैं या उनके धर्म से जुड़ी हुई activities रही हैं या उनके विचारधारा रही हैं धर्म से जुड़ी हुई ideas जो रहे हैं उसको वो record करें, उनको नहीं लगा तो उन्होंने record नहीं करे, और डेली में जो चीजें होनी थी वो उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, उसको स्कल्पचर बनवा दिया उसके या मॉन्यूमेंट्स पर बनवा दिया डेकोरेटिव फॉर्म में या पेंटिंग्स बनवा दी, जो उनको लगा वो उन्होंने करवा दिया। इनफैक्ट द स्पेक्टेकुलर इंस्टेंसेस वी हैव फोकस्ड ऑन इन दिस चैप्टर आर जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इनफैक्ट जो हमने इतने अच्छे एग्जाम्पल्स देखे हैं इस चैप्टर के अंदर वो सिर्फ क्या है, टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी कि सिर्फ एक मात्र भर एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा आइसबर्ग है ग्लेशियर, उसके ऊपर की छोटी सी चीज जो है वो ही अभी तक हमने समझी है, पूरी चीज तो अभी तक हमने देखी ही नहीं है। समझ में आया? Yes, ma'am. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई दिक्कत आई है इसके किसी भी पॉइंट में तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है फिर हम ये टाइमलाइन वन और टाइमलाइन टू जो है वो पढ़े। No, ma'am, no problem. Okay, तो टाइमलाइन वन के अंदर जो है कई सारे रिलीजियस डेवलपमेंट हुए हैं, बताया गया है 1500 से 1000 BC के अंदर अर्लिक वैदिक ट्रेडिशंस के लिए ये समय बोला गया है, लेटर वैदिक ट्रेडिशन के लिए 1000 से 500 BC बोला गया है, 6th सेंचुरी जो है उसमें अर्ली उपनिषद हुए हैं, जैनिज्म हुआ है, बुद्धिज्म हुआ है, 3rd सेंचुरी के अंदर पहले स्तूपाज जो है वो देखे गए, 2nd सेंचुरी BC की शुरुआत में ही डेवलपमेंट हुआ महायाना बुद्धिज्म, वैष्णविज्म, शैविज्म और गॉडेस कल्ट्स का। ठीक है, 3rd सेंचुरी के अंदर शुरुआत अर्लीस्ट टेम्पल जो है वो देखे गए। टाइमलाइन 2 के अंदर लैंडमार्क्स इन द डिस्कवरी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ अर्ली मॉन्यूमेंट्स एंड स्कल्पचर। टाइमलाइन 2 के अंदर बताया गया है कि कौन कौन से लैंडमार्क्स जो है वो डिस्कवर किए गए, कैसे जो मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर उनको प्रिजर्व किया गया। 19th सेंचुरी की शुरुआत में यानी कि 1814 के अंदर इंडियन म्यूजियम जो है, फाउंडिंग ऑफ द इंडियन म्यूजियम शुरू हुआ कलकत्ता के अंदर, पहला म्यूजियम कलकत्ता के अंदर इंडियन म्यूजियम लगाया गया। 1834 के अंदर पब्लिकेशन हुआ एसे ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज ऑफ बाय राम राजा एंड कनिंगम एक्सप्लोर्स द स्तूप एट सारनाथ। कनिंगम ने एक्सप्लोर किया सारनाथ का स्तूपा और एसे जो है आर्किटेक्चर पे हिंदूज को लेकर के वो राम राजा जो है उन्होंने पब्लिश किया। 1835 से 42 के अंदर जेम्स फेरगसन ने सर्वे किया कई सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स का, इनका नाम हमने शुरुआत में चैप्टर के पढ़ा था। 1851 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट हुआ गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास के अंदर। 1851 के अंदर म्यूजियम एस्टेब्लिश हुआ था मद्रास में। 1854 के अंदर एलेक्जेंडर कनिंगम ने पब्लिश करा बिलासा टोप्स
जो अर्लीस्ट काम था सांची को लेकर के इनका 1878 के अंदर राजेंद्र लाला मित्रा ने पब्लिश करा बुद्धा गया हेरिटेज ऑफ सक्या मुनि, यानी बेसिकली ये जो अपने लिखावटें हैं इनकी या जो इन्होंने बुक्स लिखी हैं, जो आर्टिकल्स लिखे हैं या एसेज लिखे हैं, वो चीजें इन्होंने या इनकी जो रिपोर्ट्स थी उनको कब कब पब्लिश किया वो बताया गया है। 1878 के अंदर राजेंद्र लाला मित्रा ने पब्लिश करा था ये हेरिटेज ऑफ सक्या मुनि। 1880 के अंदर एचएस कोल ने अपॉइंट किया क्यूरेटर एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को, यानी कि एक क्यूरेटर को उन्होंने लगाया कि ये सारे चीजें जो जितने भी एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लिस्ट बनाओ उनकी। 1888 के अंदर पासिंग ऑफ द ट्रेजर ट्रोव एक्ट गिविंग द गवर्नमेंट द राइट टू एक्वायर ऑल द ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्कियोलॉजिकल इंटरेस्ट। अब ये हक दिया गया सरकार को कि भाई सरकार के पास में हक है कि जितनी भी आर्कियोलॉजिकल से रिलेटेड चीजें हैं उसको वो अपने ट्रेजर के अंदर रख सकती है, अपने हक में ले सकती है। फिर आती है 20th सेंचुरी, 1914 जॉन मार्शल और अल्फर्ड फाउचर ने पब्लिश करी मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। 1923 के अंदर जॉन मार्शल ने पब्लिश करी द कंजर्वेशन ऑफ मैनुअल। 1955 के अंदर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। इसको मार्क कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है कि जब आजादी मिल गई तो पहला जो है प्राइम मिनिस्टर जो थे, पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन डाला यानी नींव रखी थी नेशनल म्यूजियम की न्यू दिल्ली में। 1989 के अंदर सांची डिक्लेयर्ड अ वर्ल्ड हेरिटेज। इस चीज को इम्पोर्टेंटली मार्क कर लो कि सांची को वर्ल्ड हेरिटेज की कैटेगरी में कब डाला गया था, कौन से साल में, 1989 के अंदर। समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, that's it for today. आज हम इतना ही करेंगे। इसके जो टेक अवे पॉइंट्स हैं वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो भी आप कलेक्ट अप कर लीजिएगा, हम वापस से उनको डिस्कस करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। आज की क्लास का जैसे बीच में भी आपके थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है, आपको आवाज नहीं आ रही थी, तो ये वीडियो जो है आपकी स्कूल ऐप पे अपलोड हो जाएगा, वहां से वापस से वीडियो देख लेना और भी जो वीडियोज अपलोडेड है वो भी देख लेना, और फिर कल अपनी सारी प्रॉब्लम्स लेकर के आ जाना, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, students, have a nice day ahead. God bless you.